अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनो। आज मैं आपके लेके आई हूँ पूरा मुकम्मल तरीके से ये गला बनाने का तरीका, किस तरह से हम पट्टी लगाएंगे, किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे, पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आया हूँ डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब फ्यूजिंग पेपर लेने के बाद इसको इस तरह से मैंने दो फोल्ड कर लिए हैं। अब गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं ये नॉर्मल ले रहे हैं, ये हम 4 इंच ले रहे हैं। अब इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच ले ली है, टोटल हमारी ये 8 इंच हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी गहराई ले रहे हैं 7 इंच 2 सूत ले रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद 4 इंच 2 सूत के ऊपर हम इसकी डीप लेंगे, गहराई लेंगे। अब उसके बाद स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर राउंड डीप शेप दे देंगे, गुलाई का शेप दे देंगे। अब इस तरह से मैंने पेन की मदद से इसको मार्क कर लिया। अब उसके बाद मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से मैंने इसके ऊपर किया है। अब इस तरह से मैंने इसको डार्क कर लिया है। 1.5 इंच को इस तरह से हम हाफ कर लेंगे, इसका हम सेंटर बना लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद वी हम इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा के उसके बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजन पेपर के ऊपर निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर आयरन करके लगा लेंगे। साइड से इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, इसका सेंटर बना लूँगी। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया, इसका सेंटर बना लिया है। अब उसके बाद इसके टॉप के ऊपर मैं इसके कट लगाऊंगी और इसकी सेंटर से इसको कट कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको ये कट कर लिया है। तो परफेक्ट हमारे गले बन के तैयार हो गया। अब इसको हम किस तरह से लगाएंगे वो आप देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए पट्टी को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब कपड़े के ऊपर हमने इस तरह से 4 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है, कमीज़ का फ्रंट की साइड के ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से हमने निशान लगाने के बाद कमीज़ को हम खोल लेंगे। अब इसकी हम गले की टोटल जो हमारी गहराई होगी वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी कितनी होगी। तो इसकी जो टोटल मैं गहराई ले रही हूँ ये 18 इंच ले रही हूँ, तैयार हमारी जो आ जाएगी वो 17.5 इंच आ जाएगी। अब उसके बाद इस तरह से सीधा साइड हम ले लेंगे कमीज़ का, उसके ऊपर हम गले को रखेंगे जहाँ हमने 4 इंच के ऊपर निशान लगाया था, बाकी साइड के ऊपर हम पिन के साथ अटैच कर लेंगे। अब उसके बाद पिन के साथ अटैच करने के बाद इसके सेंटर के अंदर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेंटर हमारा गले का सेंटर में आना चाहिए। अब इसका कोना हमारा सेम कोने पे आना चाहिए। अब उसके इसके कोने के ऊपर लेके आने के बाद इसको हम पक्का कर लेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लेके जाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके सेंटर के अंदर सिलाई लगा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद जो हमारा ये वी है वी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने से लेकर अब हम दूसरे कोने तक हम सिलाई को लेके जाएंगे इस तरह से। कपड़े को हमने बहुत अच्छे से सेट करना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे, दोनों साइड की हम पिंस को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने ये गले के ऊपर सिलाई लगाई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे इसका प्रोसेस बताऊँगी, पट्टी हम किस तरह से तैयार करेंगे और किस तरह से हम इसके ऊपर लगाएँगे, पूरा मुकम्मल तरीका लेके आई हूँ। तो इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया था, एक एक्स्ट्रा हमने कपड़ा ले लिया था ब्लैक कलर का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पट्टी है इसको हम तैयार करेंगे। फ्यूजिंग पेपर लिया है, बुकरम लिया है, 0 साइज़ की हमारी बुकरम मिल जाती है, आसानी से आपको ब्लैक और वाइट कलर में मिल जाती है। तो ये हमारा ब्लैक कपड़ा, इसके ऊपर हम ब्लैक के ऊपर लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। कपड़े के ऊपर हमने 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर को लगा लिया था। मैं आपको एक दफ़ा फिर से चेक करा देती हूँ कि आप देख लें, इस तरह से हमने इसके ऊपर ये 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर लगाई है। तो इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ तैयार हुई हैं। अब इसके साइड दोनों साइड से हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। पट्टी की जो हमने चौड़ाई ली थी वो हमने 2 इंच ले ली थी। अब जो हमने पट्टी की अभी जो चौड़ाई ली है ये हमने तैयार जो ली है ये 1 इंच से 2 सूत कम लिया है। अब उसके बाद इसकी लंबाई, जो पट्टी की लंबाई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये देख लें इसका 12 इंच 2 सूत हमने इसकी पट्टी की लंबाई ले ली है। अब उसके बाद जो हमारी दोनों पट्टियां हैं, बड़ी वाली जो हमारी पट्टी है वो 16.5 इंच है और जो छोटी वाली हमारी पट्टी है वो 12 इंच की हम ले लेते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद दोनों साइड के ऊपर हमने निशान लगाया है कि कौन सा हमारा राइट के साइड पे है, कौन सा हमारा लेफ़्ट की साइड पे, ये हमारे टॉप के ऊपर किस तरह से लगेंगे। क्योंकि पट्टी जब हम इस तरह से तैयार करते हैं उसके बाद हमारा साइड इधर उधर हो जाता है जो कि हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप मार्क कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसको इस तरह से शेप भी दे दिया है, बहुत अच्छे से इसको प्रेस भी कर लिया है। तो आसानी से हमारी ये राउंड में हो गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से गले को हम खोल लेंगे। अब गले को खोलने के बाद अब इस तरह से हमारा जो गला है इसको हम प्रेस कर लेंगे नाखून की मदद से और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारा वी का कट है, वी के कट से 1 इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे।
इस तरह से हमने इसको ऊपर रखा है और उसके बाद इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम वी की शेप में इसको हम रखेंगे, जिस तरह से हमने गले को ऊपर की तरफ किया है। अब नीचे जो हमारे गले के कपड़ा होगा उसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी, हमारी पट्टी के ऊपर सिर्फ सिलाई आनी है जो हमने कमीज़ के ऊपर लगा रहे हैं। अब ये सेंटर में इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ ताकि आपको सेंटर सही से नज़र आए कि ये हमारी पट्टी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इस तरह से हमने इसका सेंटर का सेंटर में कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर यूँ सिलाई लगाएंगे, दूसरे कोने की तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को हम सेट करते जा रहे हैं, नीचे के कपड़े के ऊपर हमारी प्लेट या झोल ना आने। तो इस तरह से हम पट्टी को रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक साइड की पट्टी लगा ली है, अब दूसरी साइड की पट्टी को हम लगाएंगे। अब गले को इस तरह से हम ऊपर कर लेंगे और ऊपर करने के बाद इसका हम इस तरह से क्रीज कर लेंगे। अब उसके बाद एक इंच यहाँ पर भी हम पट्टी को ऊपर की तरफ रखेंगे, जो हमारा गला है उसके ऊपर जाएगा, जो हमारा कट है उसके ऊपर एक इंच हम रख रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी ये सिलाई लगाई थी हमने पहले गले के ऊपर वी की शेप में, उसी के साथ साथ हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से पट्टी के ऊपर हम पट्टी रख लेंगे। सेंटर हमारा दोनों पट्टियों का सेंटर में आना चाहिए इस तरह से, और उसके टॉप के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो नीचे वाली हमारी पट्टी है इसके नीचे के जो कोने हैं इसको हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारी पट्टी नीचे से शो ना हो या हमारी हाइट हो जाए। अब हाफ इंच हम नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई को लेके आ जाएंगे। अब उसके बाद इसको हम अच्छे से सेट करेंगे, अब दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे। सुई को हम नीचे रखेंगे, उसके बाद इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे और उसके बाद किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से नीचे वाली जो हमारी पट्टी है उसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे और उसके टॉप के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये लगा लिया है, हमारी दोनों पट्टियाँ लग के तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद हम इसके गले को हम सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। पिन के साथ अटैच करने के बाद अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है और उसके बाद फ्यूजिंग पेपर के साथ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं लगाना, फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब जो हमने ये सिलाई लगानी है ये हमने वी के कट के ऊपर नहीं लगानी, राउंड के ऊपर हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे गले के ऊपर इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। पिंस को हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक बुट जितना हम कपड़ा रखेंगे बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। टाइम शॉर्ट होता है उसकी वजह से हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि फिर आप बड़ी वीडियो देखते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ही कट कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसको इस तरह से पलट लूँगी। जो हमारे गला है इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे इस तरह से, इसके कोने अच्छे से हम निकाल लेंगे किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से। उसके बाद मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद नीचे की साइड के ऊपर हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी शर्ट सिल के तैयार हो गई है। गले को इस तरह से हमने तैयार कर लिया है, परफेक्ट हमारा ये गला बना है। अब उसके बाद अगर आप चाहें तो उसके ऊपर टसल लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे ऐसे ही भी आप इसको रख सकते हैं। ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट लग रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इसको अच्छा चाह रहे हैं, इसको ज़्यादा आप इसके ऊपर थोड़ा कुछ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर ये टसल ले लिया है। ये हमारे दुपट्टे की कलर के हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कट करके छोटे करके लगा लिया है। ये हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट तैयार हो गया है। पूरा मुकम्मल तरीका मैंने आपको बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगा करें, वीडियो को आप लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।